अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट। अस्सलाम वालेकुम, हम आपको अपने चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। आफरीन अपने घर के हालात से मजबूर होकर दोबारा से शाहवेज के ऑफिस को ज्वाइन कर लेती है कि आखिर वो इतनी जल्दी कहीं और नौकरी कैसे तलाश करती, तब तक उसके घर का निज़ाम और ही बिगड़ जाता। तमकीन की शादी का मसला होता है क्योंकि वो दुकानदारों से रबते बढ़ाना शुरू कर देती है। शाहवेज उसको अपने ऑफिस में देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है और उसको एक बार फिर फंसाने की कोशिश करता है। पहले तो ख़ुद उसे बहाने बहाने से ऑफिस में बुलाता है, जब उसे मुँह तोड़ जवाब देती है तो अपने ही दफ्तर के एक मुलाजम काशिफ को उसके पीछे लगा देता है। जब वो काशिफ को भी घास नहीं डालती और उसे कहती है अपने काम से काम रखो, तो वो काशिफ के साथ मिलकर उसकी तस्वीरें किसी और लड़के के साथ एडिट करके उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है। पहले तो जुबानी जुबानी आफरीन को धमकाता है, लेकिन जब वो उसकी बातों में नहीं आती तो उसे तस्वीरें दिखाकर उसे कहता है मैं तो आपको शरीफ लड़की समझता था लेकिन आप ऐसी नहीं हैं। आफरीन रोने धोने लग जाती है तो तब भेड़ के खाल में छुपा हुआ भेड़िया उसे तसल्ली देता है, आप रोए नहीं, मैं कुछ करने की कोशिश करता हूँ, मैं इस मामले को दबाने की कोशिश करता हूँ, और आफरीन को एक बार फिर अपनी जाल में फंसाने की कोशिश करता है। जब आफरीन को उसके मकरूह अजायम का पता चल जाता है तो साफ इनकार कर देती है, तब वो उसे उसके ही ख़ानदान में बदनाम कर देता है। और जैसे ही वो घर दाखिल होती है उसे अपने बाप की गुस्से भरी और भाई की नफ़रत भरी निगाहों का सामना करना पड़ता है और ये मकाम आफरीन के लिए डूब मरने का होता है। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी।